जय श्री कृष्णा बच्चों, आज आप अपनी किताब से पढ़ रहे हैं पाठ 10, जल ऊपर से नीचे की ओर। इसमें हम पढ़ रहे हैं कहीं कम कहीं ज़्यादा। हर फसल के लिए पानी की अलग अलग मात्रा की आवश्यकता होती है। हर फसल के लिए पानी की अलग अलग मात्रा, मात्रा यानी उसको किसी को ज़्यादा पानी की ज़रूरत है किसी फसल को, और किसी फसल को पानी की मात्रा की आवश्यकता कम है। किसी फसल को ज़्यादा पानी चाहिए, किसी को कम पानी चाहिए। यदि किसान को इसका ज्ञान है तो पानी का समुचित उपयोग किया जा सकता है। अगर किसान को यह पता है, उसको ये जानकारी है कि किस फसल को कितना पानी चाहिए, अगर ये उसे पता है तो पानी का समुचित उपयोग किया जा सकता है, किसी फसल को ज़्यादा पानी देना पड़ता है और किसी फसल को कम। इस प्रकार पानी का अपव्यय रोका जा सकता है। अगर हमें पता चल जाए कि किस फसल को ज़्यादा पानी देना है, किसको कम, अगर हमें ये जानकारी है तो इसके माध्यम से हम पानी के अपव्यय को रोक सकते हैं। क्योंकि अगर हमें पता है कम पानी देना है तो वहाँ हमारा पानी कम ही खर्च होगा, लेकिन अगर हमें ये जानकारी नहीं है तो उस फसल में हम खूब सारा पानी दे देंगे तो पानी की भी बर्बादी होगी और फसल की भी बर्बादी होगी। तो ये जानकारी हमें होना ज़रूरी है कि कौन सी फसल को कितने पानी की आवश्यकता है। चावल, गन्ना, धान की फसल को अधिक पानी की आवश्यकता होती है, जबकि मटर, चना, प्याज, ककड़ी की फसल को कम पानी की आवश्यकता होती है। ये देखो यहाँ पे कितनी अच्छी आपको जानकारी मिली है कि चावल, गन्ना और धान जब भी हम उगाएंगे तो इस फसल को हमें अधिक पानी देने की आवश्यकता है। चावल को, गन्ना को और धान की फसल को अधिक पानी की आवश्यकता है, जबकि मटर, चना, प्याज, ककड़ी, अगर हम मटर लगाएं, चना, प्याज या ककड़ी की फसल लगाएं तो उसके लिए हमें कम पानी की आवश्यकता होती है। तो आपको ये पता करना है कि कौन सी फसल के लिए खेतों को पानी से भरा रखना पड़ता है। तो ये आपको अभी इसी के अंदर इसका उत्तर आपको समझ में आ गया होगा कि किस फसल को ज़्यादा पानी की आवश्यकता है। तो जब ज़्यादा पानी की आवश्यकता है तो उन्हीं को हमको खेतों को पानी से भरा रखना पड़ता है। और कौन सी फसल बहुत कम पानी से भी उगाई जा सकती है, इसका उत्तर भी आपको यहाँ मिल गया है कि इसको कम पानी की आवश्यकता होती है। अब आगे पढ़ रहे हैं हम, कैसे चले रहट। रहट क्या होता है ये आप चित्र में देखिए। पहले ये रहट है, ये देखो इस रहट में गोल, ये गोल रहट है, इसमें ये अलग अलग डिब्बे लगे हैं, इसमें से पानी भर के बाहर आता है। ये देखिए रहट यहाँ पे चल रहा है और इसमें ये दो बैल भी हैं, लगे हुए हैं। अभी कैसे होता है, रहट एक पहिए नुमा संरचना है। ये पहिया आप देख रहे हो ना, तो रहट एक पहिए नुमा संरचना है जो उथले कुएं या बावड़ी पर लगी होती है। ये जो रहट होती है उथले कुएं, यानी वो गहरा कुआ नहीं है, वो उथला कुआ है, ऊपर आया हुआ है या बावड़ी पर लगी होती है। इसमें पानी के कई पात्र लगे होते हैं। ये आप रहट में देख रहे हैं, ये कई सारे इसके अंदर क्या लगे हैं, पात्र। तो इसमें कई पात्र लगे होते हैं। जब ये कुएं में पानी के अंदर पहुंचते हैं तो पात्र पानी से भर जाते हैं। जब ये पात्र होते हैं ना, ये कुएं में पानी के अंदर जब पहुंचते हैं तो पात्र पानी से भर जाते हैं। बाहर आकर पात्र जब पहिए पर घूमते हुए ऊपर से नीचे मुड़ते हैं तो पानी कुएं की मुंडेर पर गिरता रहता है। ये रहट जब ऐसे गोल गोल रहट जब ये चलता है तो रहट जब चलता है जब ये पहिया घूमता है तो वो जो पहिया घूमता है तो ऊपर से नीचे की ओर मुड़ते हैं। ये देखो ये जब पहिया चलता है ना, ये ऐसे ये चलता है तो जब ये ऊपर से नीचे की ओर मुड़ते हैं तो फिर वो पानी कहाँ गिरता है, कुएं की मुंडेर पर, कुएं के मुंडेर पर पानी गिरता रहता है। अब आप कहेंगे मैम मुंडेर क्या है, तो ये देखिए ये जो कुआ बना होता है इसकी जो बाहर की जो चांतरी बनी है ना, उसे हम क्या कहेंगे, मुंडेर पर, कुएं की मुंडेर पर गिरता रहता है। यहाँ से पानी नालियों में होकर खेत में जाता है, और जब वो मुंडेर से पानी गिरता है वहाँ से किस में जाता है, पानी सीधा नाली में जाता है,
और नाली से होकर वह पानी कहाँ जाता है, खेत में जाता है। इसे चलाने के लिए बैल का इस्तेमाल किया जाता है। ये आप देख रहे हैं दो बैल, ये बैल ऐसे गोल गोल यहाँ पे घूमते रहते हैं, इसके अंदर इस तरह गोल गोल घूमते हैं तब ये रहट चलता है। तो यहाँ से पानी नालियों में से होकर खेत में जाता है, इसे चलाने के लिए बैल का इस्तेमाल किया जाता है। यदि बैलों के चलने के मध्य स्थान पर गन्ने की मशीन लगा दें तो गन्ने का रस तथा घानी लगाने पर तेल निकाला जा सकता है। देखो बैल तो वैसे भी चल ही रहे हैं, और बैल जो चल रहे हैं और उससे हमारा रहट भी चल रहा है और उससे हम पानी भी निकाल रहे हैं, तो बैलों के चलने के मध्य स्थान पर, जो यहाँ पे चल रहे हैं बैल, इस जगह पर मध्य स्थान पर अगर हम गन्ने की मशीन लगा दें तो क्या होगा, हमको गन्ने का रस भी मिलेगा और अगर हम घानी लगा देते हैं तो हम वहाँ पे तेल भी निकाल सकते हैं। तो हम एक साथ दो काम कर सकते हैं, इसे कहते हैं एक पंथ दो काज। मतलब कार्य तो हम एक कर रहे हैं लेकिन हमको दो काम का फायदा मिल रहा है। एक पंथ दो काज का मतलब क्या है, कार्य तो एक हो रहा है लेकिन कार्य रास्ता तो एक है पर हमारे कार्य क्या हो रहे हैं, दो हो रहे हैं। एक तरकीब हमने लगाई और दो काम का फायदा हमने उठा लिया। विद्युत मोटरों के उपयोग बढ़ने से बैलों का उपयोग कम हुआ है। आजकल विद्युत की मोटरें यानी बिजली की जो मोटर लगाई जा रही है उसका उपयोग बहुत बढ़ गया है और उनके बढ़ने से बैलों का उपयोग बहुत कम हुआ है। वर्तमान में कुछ लोग बैलों द्वारा डायनेमो चलाकर विद्युत उत्पादन पर छोटे छोटे प्रयोग करने लगे हैं। इस क्षेत्र में अधिक शोध की आवश्यकता है। आजकल लोग क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा मशीनों का उपयोग करते हैं और मशीनों के उपयोग करने के कारण बैलों का उपयोग कैसा हो गया, कम। जब मशीन काम करेगी तो बैल को काम करने की ज़रूरत नहीं है। तो आजकल क्या हो गया है, विद्युत का उत्पादन करके लोग छोटे छोटे प्रयोग करते हैं और इस क्षेत्र में हमको अधिक सहयोग की आवश्यकता है। और अब इसमें ये दो पॉइंट भी हम पढ़ लेते हैं कि हमने सीखा, हमने क्या सीखा कि पानी ढलान की ओर बहता है। पानी हमेशा कहाँ बहेगा, ढलान की ओर, ऊपर से नीचे की ओर ही बहता है। और दूसरा पॉइंट, अलग अलग साधनों से भूमिगत पानी को सिंचाई के लिए निकाला जाता है। अलग अलग साधनों के माध्यम से भूमिगत पानी यानी जो ज़मीन के अंदर का पानी है उसको सिंचाई के लिए निकाला जाता है। अलग अलग साधन यानी अलग अलग तरीकों के द्वारा ये जो भूमिगत यानी भूमि के अंदर का पानी है वो सिंचाई के लिए निकाला जाता है।